यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने रूसी कोयले के लिए मुश्किलें तो खड़ी कर दी। अब रूसी कोयले की मांग यूरोप के आकर्षक बाजारों में कम हो रही और रूस को अब भारत जैसे कुछ खरीदारों की ओर मुड़ना पड़ा है। भारत को इससे काफी फायदा हो रहा है क्योंकि रूस उसे रियायती दरों पर कोयला बेच रहा है। रूसी कोयला भंडार के दो अधिकारियों ने बताया कि यूरोप के बाजार में जहां रूसी कोयले को काफी ज्यादा दामों पर खरीदा जाता है, वहां हाल के दिनों में कोयले की बिक्री में भारी गिरावट आई है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों रूस लगातार भारत को हर चीज का ऑफर दे रहा है और क्या रूस भारत की दोस्ती चीन पर भारी पड़ रही है। ऐसे ही तमाम सवाल आपके जहन में होंगे जिनके जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। दरअसल रूसी कोयला अधिकारियों ने बताया कि जर्मनी अभी भी रूसी कोयला खरीद रहा है, लेकिन पोलैंड ने रूसी कोयले की खरीद अप्रैल में ही बंद कर दी थी। यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में अगस्त से रूसी कोयला खरीदना बंद कर देंगे। इसके बाद यूरोप अपने जरूरत के लिए कोयला दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से ले सकता है। इस बीच रूस भी अपने कोयले के बाजार तलाश रहा है। अब भारत के रूप में रूसी कोयले को एक बड़ा बाजार मिल गया है, लेकिन यहाँ रूसी कोयले को उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी यूरोप के बाजार में मिलती है। भारत रूस से कम कीमत पर बेहद कम कोयला खरीदता है। हालांकि हाल के दिनों में भारत ने रूसी कोयले की खरीद में भारी बढ़ोतरी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक प्रकाशित रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार के अप्रकाशित डेटा के अनुसार 20 दिनों में ही रूस से कोयला और संबंधित उत्पादों की खरीद में भारत ने 6 गुना की बढ़ोतरी की है। तो भारत ने इसको लेकर कहा है कि रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो रूस से सामानों की खरीद नहीं रोक सकता। ऐसा करने से तमाम वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब इसके बाद कई दूसरे बड़े सवाल भी खड़े हो सकते हैं। एक तो ये कि क्या भारत के खुद के पास कोयले का बड़ा भंडार है। दूसरा ये कि आखिर भारत कोयले का आयात रूस से क्यों कर रहा है। दरअसल रूसी कोयले में अधिक कार्बन होता है जो स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद होता है। भारत ही नहीं चीन भी रूस से कोयला आयात करता है क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। रूस से कोयला खरीदने के मामले में भारत 6 नंबर पर है। खैर रूस के इस बड़े ऐलान के बाद एक बात तो साफ है कि रूस के साथ भारत हमेशा पक्के दोस्त की तरह खड़ा रहेगा और दुनिया को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों देश एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए कभी भी किसी वक्त पर भी तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।